बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू गुलफिशा हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। टुडे माय लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8 एंड माय सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.9। पहला सवाल है व्हाट आर द क्यूब परफेक्ट क्यूब्स। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई हमने इसका परफेक्ट क्यूब बताना है। जैसे 512 है तो हमने बताना है वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। दूसरा सवाल है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तीसरे सवाल में हमने फाइंड द क्यूब्स, मतलब जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसको हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब फाइंड करना है। और जो चौथा सवाल है वो भी सेम एज इट इज़ दूसरे सवाल की तरह है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए हम अपना पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में है विच आर द परफेक्ट क्यूब, मतलब हमने इसका बताना है कि परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 512 का एक एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम हमने इसका क्या देखना है, इसको हमने डायरेक्ट 8 के साथ सॉल्व करके देखना है, क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है तो क्यूब में हमेशा बड़ी रकम का ही क्यूब बनता है। इसका क्यूब फाइंड करेंगे तो आएगा 8 6 48, जब 3 इधर जाएगा 32 बन जाएगा, 8 4 32। फिर अगेन ये 8 के साथ सॉल्व हो रहा है, 8 8 64, 8 8 8 1 8। ये आ गया 8 हमारे पास 3 टाइम, मतलब 512 को जब हमने एलसीएम सॉल्व किया है तो वो आया है 8 3 टाइम्स, वो हमने राइट कर दिया। मतलब 512 का जो क्यूब है वो 8 का क्यूब है। तो हम बता सकते हैं कि जो इसका परफेक्ट क्यूब है वो है 512 का क्यूब जो है वो है 8 परफेक्ट क्यूब, वो हमने इसका बता देना है। इसी तरह दूसरा सवाल है, उसमें क्या कहा है, उसमें हमने फाइंड द क्यूब रूट, हमने उसमें क्यूब रूट फाइंड करना है। 729 है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 729 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 3 के साथ उसको सॉल्व करेंगे। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। फिर अगेन 3 के साथ 3 8 24, 3 1 3। ये 3 के साथ अगेन सॉल्व हो रहा है, इसको एंड तक सॉल्व करना है जब तक ये सॉल्व प्रॉपरली एंड तक सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये देखें एंड तक ये सॉल्व हो गया है, और इसमें देखें जो 3 है वो कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आया है। तो हम लिख लेंगे उसको कि 729 जो है वो 6 टाइम 3 आया है उसका, जब हमने एलसीएम सॉल्व किया है। इसमें हमने क्यूब फाइंड करना है तो क्यूब का मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हमने इसको 3 3 टाइम्स राइट कर लेना, मतलब 3 3 टाइम इकट्ठा कर लेना है। टोटल 6 टाइम है तो टोटल 6 टाइम लिख लेंगे इसको पहले। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं वैसे ही क्यूब रूट होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसके स्क्वायर रूट के ऊपर 3 दिया गया होता है, इस तरह से इसके ऊपर 3 दिया गया होता है। अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्यूब रूट फाइंड करना है 729 का, तो यहाँ पे ये देखें कि 3 अंडर रूट जो है इसको हम लोग कर देंगे ख़त्म, इस वाली साइड को हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म क्या करना है कि जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 उसके ऊपर उसकी पावर के फॉर्म में आ जाएगा। फिर 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो 729 है उसका जो क्यूब रूट आ रहा है वो आ रहा है 9, ये इसका क्यूब रूट होगा। स्टूडेंट, जो हमने अभी 2 सवाल किए हैं उसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। आइए अब हम अपना 3रा सवाल करते हैं। उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द क्यूब, हमें सवाल दिया गया है, इसमें हमने इसका क्यूब फाइंड करना है। तो जो क्यूब फाइंड करने का जो तरीका है वो है 1.4 है हमारे पास, इसको हमने 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई, 1.4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1.4 को 1.4 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.96। फिर अगेन 1.4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 को जब हम 1.96 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.4 का क्यूब आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.74744। 1.4 का क्यूब बनता है 2.7
4 और ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन वो आप लोगों ने खुद से उनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब GK चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज़।